गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज गई थी सुबह सुबह ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, ऐसा हड़बड़ हो गया ना। एक्चुअली हमने होम सैंपल कलेक्शन करवाया था, वही करवाती हूँ हर बारी, लेकिन लेट नाइट 11 बजे के आसपास में मैसेज आता है कि जो बंदा आता ना कलेक्ट करने के लिए वो नहीं आने वाला है। तो या तो आप एक दिन लेट करवा लो तो कलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप आके सेंटर पे दे दो। अभी लेट हम कर नहीं सकते थे क्योंकि हमारे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट फिक्स है, उस हिसाब से ही उससे पहले मुझे रिपोर्ट लेके जाना है। तो हमने सोचा चलो जाकर के हम दे आते हैं सुबह, और नाश्ता वगैरह भी कर लेंगे क्योंकि फास्टिंग में करना रहता है ना ब्लड टेस्ट। तो वो करवा के आई हूँ इसलिए आपको तैयार दिख रही हूँ। इसी बहाने चलिए बाहर भी जाना हो गया, नाश्ता वाश्ता करके आए हैं। इतने सारे इस बार मैंने टेस्ट करवाया ना, मुझे डॉक्टर ने एक डॉक्टर ने खुद लिख के बहुत सारे दिए थे और कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी करवा लिए हैं क्योंकि मुझे कुछ कुछ चीजें थी जो देखनी थी, तो पूरा दिया है। होपफुली आज शाम नहीं तो कल सुबह तक तो रिपोर्ट आ ही जाएगी। तो मैंने क्या पहना है मैं दिखाती हूँ, कितना प्यारा कलर है ना, बहुत ही सुंदर कलर है, बहुत ही सुंदर सा एकदम, बहुत ही अच्छा ड्रेस है। एनीवेज तो मैंने क्या क्या टेस्ट करवाए हैं पहले वो बता देती हूँ। तो थायराइड, शुगर, फिर मेरा B12 क्योंकि कम आया था पिछली बार और मैं सप्लीमेंट ले रही थी तो B12 चेक करवा रही हूँ। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला था LFT करवाने के लिए, लीवर फंक्शन टेस्ट, फर्स्ट टाइम बोला है, तो वो भी था। उसके बाद में ब्लड सैंपल विद ब्लड पिक्चर जो हर बार रहता है, उसके बाद में यूरिन कल्चर वो भी करवा, दो तीन बार तो करवा लिया उन्होंने। उसके बाद में एक्स्ट्रा एड हो गया पैकेज में विटामिन डी, क्योंकि ना मैं इतने सारे टेस्ट करवा रही थी तो मुझे उन्होंने बोला कि अगर आप अलग अलग कराओगे तो आपको ज्यादा दाम लगेगा, अगर आप पैकेज ले लोगे तो आपको सस्ते में हो जाएगा, पर पैकेज में दो तीन टेस्ट एक्स्ट्रा आ जाएंगे, जैसे विटामिन डी एक्स्ट्रा आ जाएगा और भी एक दो थे। तो मैंने कहा कम पैसे में हो रहा है तो कर दो, क्या जाता है। और मैंने खुद से एक ऐड किया प्रोटीन टेस्ट, वो आपके यूरिन से हो जाता है, डॉक्टर ने नहीं बोला था तो मैंने सोचा चलो करवा लेते हैं, तो एक वो भी ऐड करवाया। तो इस बार बहुत सारे टेस्ट करवाए हैं, बहुत सारा खून दिया। लेट्स सी अभी क्या रिपोर्ट में आता है, कैसा आता है, फिर डॉक्टर को भी दिखाना है, बहुत कुछ है। चलिए ड्रेस दिखाते हैं क्या पहना है। सुंदर है ना, प्रेगनेंसी में मुझे ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं जो एक तो सुंदर हो दिखने में ठीक है पर कंफर्टेबल होने चाहिए, तो ये बड़ा कंफर्टेबल और सुंदर तो है ही। एनीवेज मुझे आपसे बात करना है अपने ज्वेलरीज के बारे में, इससे पहले मैं फिर से भूल जाऊं इस ब्लॉग में भी। तो जो भी ना नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ में, मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप जो ये डेली वेयर के लिए ज्वेलरीज पहनते हो ये आपने कहां से परचेस किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, या जिन लोगों को पता है मैंने कहां से परचेस किया है वो मुझसे पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस उस ब्रांड से लेने का कैसा रहा है अभी तक। तो आज इस ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करती हूँ। देखिए जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि जो भी मैं डेली वेयर की ज्वेलरीज पहनती हूँ, जो आप मुझे व्लॉग्स में देखते हो, मैंने कैरेटलिन से परचेस किया है। मैं कैरेटलिन की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने हमेशा आपसे शेयर किया है, और जब भी मैंने ज्वेलरीज खरीदी है ना मैंने उनके व्लॉग्स भी बनाए हैं, आपको वो व्लॉग्स भी मिल जाएंगे। मैं दे दूंगी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चाहे इयररिंग्स है, चाहे चेन है, पेंडेंट है, रिंग है, ये सब कैरेटलिन से है। मुझे इनकी ज्वेलरी कलेक्शन बहुत अच्छे लगते हैं, सुंदर है, अफोर्डेबल है और बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, कोई कंप्लेन नहीं है मुझे आज तक। आप देखते ही हो मैं रोज ब्लॉग में पहनती हूँ, घर के काम करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई डैमेज नहीं हुआ है। तो मैं फुल्ली ट्रस्ट करती हूँ, आप भी फुल्ली ट्रस्ट करिए। कौन कौन से मेरे पास में ज्वेलरीज है कैरेटलिन के, चलिए मैं फटाफट आपको दिखाती हूँ। एक ये स्टड्स है मेरे पास में कैरेटलिन का, ये आपने मुझे देखा होगा पिछले पूरा साल मैंने यही वाला पहना है डेली वेयर के लिए। उसके बाद ये वाला एक डायमंड रिंग मैंने लिया है कैरेटलिन से, ये भी आप मुझे डेली वेयर में पहने हुए देखते हो, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है हाथों पे। ये वाला इयररिंग्स मैंने अभी जस्ट 3-4 महीने पहले लिया है, देखिए कितना सुंदर है, कितना प्यारा डिजाइन है इसका, परफेक्ट फॉर डेली वेयर एंड हर टाइप के ड्रेस पे चल जाता है। नेक्स्ट है ये पेंडेंट, ये मैंने अभी पिछली धनतेरस में परचेज किया था, मुझे ये जाली डिज़ाइन भी अच्छा लगा और साइज़ भी देखेंगे ना आप इसका काफ़ी बड़ा साइज़ है, ऊपर डायमंड का वर्क है, नीचे पूरा गोल्ड है, नीचे साइड में ऐसा सेम आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद में और हर कपड़े पे चल जाता है। मतलब ये मैं अगर वेस्टर्न पहनूँ तो भी अच्छा लगता है और अगर मैं साड़ी सूट पहन लूँ ना तो भी अच्छा लगता है। और इस पेंडेंट के साथ में जो ये चेन है गोल्ड चेन, ये भी मैंने कैरेटलिन से ही लिया है, 18 इंच का है ये चेन, डिलीवर के लिए एकदम परफेक्ट, और ये तो मैं पिछले 1.5 साल से रोज यूज कर रही हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आया है इसमें। तो मुझे
मुझे तो सारे ही पसंद है ऑफकोर्स, तभी मैंने लिए हैं। आपको कैसे लगे मुझे बताइएगा। तो करेंटली इनकी जितनी भी फैसिलिटीज है ना, मैंने लगभग सभी यूज कर लिए। मतलब इनका जो इन स्टोर एक्सपीरियंस है, आप अपने शहर में जो भी स्टोर है इनका, वहां पे जाकर के ज्वेलरीज परचेस कर सकते हो, वो भी मैंने किया है, बड़ा सा एक्सपीरियंस रहता है। इनका ऐप है जो मैंने डाउनलोड कर रखा है, उसमें मैं ज्वेलरीज देख लेती हूँ, मुझे जो भी खरीदना हो, जो मेरे बजट में आ रहा हो, उनको मैं कर देती हूँ विशलिस्ट में। फिर जब मुझे लगता है लेना है तो जाके मैं स्टोर पे ले लेती हूँ। आप कोई भी ज्वेलरीज चेक करते हो ना कैटलिन के ऐप में, तो आपको बताता है कि आपके शहर में कौन से स्टोर में वो वाला ज्वेलरीज अवेलेबल है। इससे आपको आइडिया लगता है आपको कहाँ जाके चेक करना है, तो मैंने वो भी किया हुआ है। मैंने ऑनलाइन भी परचेस किया हुआ है इनके ज्वेलरीज, और इनका एक ऑप्शन है ट्रायल एट होम। तो ये वाला जो ईयरिंग्स मैंने आपको दिखाया, ये मैंने ट्रायल एट होम में परचेस किया है। 4-5 ज्वेलरीज मैंने सिलेक्ट कर लिया ऐप से, उसके बाद मैं अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर दिया। इनके रिप्रेजेंटेटिव घर आए, इन्होंने मुझे ज्वेलरी दिखाई, उनमें से मुझे जो लेना था मैंने सिलेक्ट किया, बाद में इन्होंने डिलीवर भी कर दिया। और आप चाहो तो लाइव भी खरीद सकते हो इनकी ज्वेलरी। मतलब आप ऐप में जाओ, आप देखो कि लाइव कैसा दिखता है ज्वेलरी, फिर आपको अच्छा लगता है तो आप वो परचेस करो। तो सारे एक्सपीरियंसेस जो है मैंने ट्राई किए, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप भी ट्राई कर सकते हो, इनका ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। तो मुझे तो अच्छे लगते हैं, मेरी तरफ से तो फुल गारंटी है, कैरेटलिन बहुत अच्छा है। रेंज देखोगे आप ना तो आपका दिमाग घूम जाएगा, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं एंड अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है आपको। तो मैं तो फैन हूं बड़ी इसकी। एनीवेज चलिए, चाहती हूँ घर का भी काम से पेंडिंग है, सुबह निकल गई थी। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन आता है काफी बार यूट्यूब में, जब मैं बेडरूम दिखाती हूँ कि आपने कैसे मिरर लगाया है बेड के ऊपर में और यहाँ ड्रेसर में, क्योंकि वास्तु के अकॉर्डिंग तो मिरर नहीं लगना चाहिए बेडरूम में, ऐसा लोग पूछते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार आपको बस इतना फॉलो करना है कि जब आप सो रहे हो बेड पे, तब आपको आपका रिफ्लेक्शन मिरर में नहीं दिखना चाहिए। अब जैसे हम लोग यहाँ सोएंगे तो हमारा रिफ्लेक्शन हमें खुद मिरर में नहीं दिखने वाला, तो इसलिए साइड में रखा है, ऊपर रखा है। तो किस केस में आपको आपका रिफ्लेक्शन दिखेगा आप सो रहे हो बेड पे? अगर आपने बेड के इस साइड लगा दिया, सपोज करिए यहाँ पे मिरर होता, ये गलत होता, या इसके राइट साइड मिरर होता तो गलत होता, इधर भी होता मिरर तो भी हम अपने आप को देख पाते, या फिर सामने मिरर होता या कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता तो भी वो सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमने टीवी लगा रखा है, तो ऑब्वियसली इस टीवी में हम अपना रिफ्लेक्शन देख पाते हैं जब हम लेटते हैं, इसीलिए जब हम लोग रात को सोते हैं विदाउट फेल हम इस टीवी को कवर कर देते हैं, तो क्या होता है हमें हमारा रिफ्लेक्शन नहीं दिखता है। और इसी रीजन से मैंने इस वार्डरोब में आप देखोगे ना तो मैट फिनिश करवाया है, वरना मैं एक्रेलिक भी करवा सकती थी, मैं डूको भी करवा सकती थी, पर वो हो जाता है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसमें कि पूरा का पूरा हम अपने आप को देख पाते जब हम सोते हैं, तो वो एक मिरर की तरह काम करता है। इसीलिए ये जानते हुए कि हो सकता है ये रूम को डल दिखाए, छोटा दिखाए, पर मैंने इसको पूरा ही आप देखो मैट फिनिश में किया है। ये जो आपको चादर दिख रहा है ना पीछे, इस चादर से हम लोग कवर करते हैं टीवी को, इसलिए यहाँ पे पीछे रहता है दिन भर और रात को कवर हो जाता है। तो क्या इसे दिन में भी कवर करने की जरूरत है अगर हम लेते हैं? नहीं, दिन में तो देखिए आधा एक घंटे के लिए आदमी सोता है, ये आपको रात को फॉलो करना है। तो जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपके बेडरूम में उसको आपको कवर करना है, अगर उसमें आप अपने आप को देख पा रहे हो। तो ये देखिए इस तरीके से कवर हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। तो आप ये लगा सकते हो मिरर साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस वार्डरोब को एक्रेलिक में करती, डूको में करती ना, ये इनफैक्ट कुछ नहीं तो ग्लॉसी, हाई ग्लॉसी लैमिनेट में भी करती तो बहुत सुंदर लगता, लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट होता, रूम मेरा और भी ज्यादा बड़ा लगता। पर क्योंकि मुझे इसको रखना था नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो मैंने इसको मैट फिनिश में किया, डार्क कलर में किया, ताकि कोई रिफ्लेक्शन ना आए। टीवी तो कवर करना इज वेरी इजी, तो कोई दिक्कत नहीं, हैबिट हो गई हमारी। मतलब विदाउट फेल रात को जब हम टीवी बंद करते हैं तो हम उसको कवर करते ही करते हैं, एक भी दिन नहीं होगा जो बिना कवर किए सोएंगे। तो इसीलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। साउथ में मिरर नहीं लगाना है, वो अवॉइड करिए, बाकी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली देखिए वास्तुशास्त्र उतना कंस्ट्रेंट नहीं करता है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो इजिली फॉलो हो सकती है, ऐसा नहीं कि बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर हम वास्तु फॉलो करेंगे तो पूरा घर गड़बड़ हो जाएगा, पूरा लेआउट गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ मना है, नहीं। बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो डुएबल होती हैं वही हैं, और जो बाकी लोग सोचते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है ना, एग्जैजरेट करके आपको बताते हैं, उनको एक्चुअली ये साइंस नहीं पता है। जैसे मुझे क्वेश्चन आता है बहुत सारी छोटी छोटी चीजों के लिए कि ये क्या आप ऐसा करते हो, क्या दिया ऐसे जलाना चाहिए, क्या मंदिर में ऐसा करना चाहिए, ये सब वास्तुशास्त्र में इसका कोई जिक्र नहीं है। बिकॉज ये जो साइंस है वास्तुशास्त्र, ये हाउस बिल्डिंग प्रिंसिपल पे बना है, इसमें ये छोटी छोटी बातें है ही नहीं कि चूल्हे पे खाना रखना है कि नहीं, दिया कैसे बुझाना है,
वो सब नहीं है इसमें। पर क्या हो गया ना, सालों से लोग वास्तु शास्त्र के नाम पे जो टोटके, ये सब जो रिचुअल्स, ये सब जो कॉन्सेप्ट है, मिथ है ना, इसको चलाते आ रहे हैं। बट एक्चुअली जस्ट अ हाउस बिल्डिंग साइंस जो बहुत इजी है फॉलो करना, और इसमें इतनी बारीकी से जानने की कोई जरूरत नहीं है। एलिमेंट्स के बारे में जान लीजिए, मैंने पहले वीडियोज बनाया है, बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे ना तो खुद ही फॉलो कर पाओगे कि ये साइंस है। एक क्वेश्चन मुझे आया था कि वास्तु तो बोलता है इधर मत सो, उधर सर रख के मत सो, इतना कोई कैसे फॉलो करेगा। नहीं, वास्तुशास्त्र ऐसा कुछ नहीं बोलता, सिर्फ नॉर्थ की तरफ सर रख के नहीं सोना है, साइंटिफिक रीजन है। नॉर्थ पोल की तरफ अगर आप अपना सर रख के सोगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। उसके अलावा ईस्ट, वेस्ट, साउथ सब तरफ आप सर रख के सो सकते हो। तो जैसा मैंने कहा कि वास्तुशास्त्र कंस्ट्रेन नहीं करता है, आपको रिलीज करता है अगर आपको सही में नॉलेज है तो। खैर चलिए, ये मुझे बताना था तो इसीलिए, ये बिल्कुल वास्तु प्रिंसिपल पे है मेरा घर। टोटली मैंने ट्राई किया है जितना पॉसिबल था कि मैं वास्तुशास्त्र प्रिंसिपल पे रखूं। कुछ चीजें जो बिल्डर की तरफ से थी जो एकदम नॉन अवॉइडेबल थी, वो कुछ चीजें हैं, बट दैट्स ओके। अगर आपने 90% सही रखा है तो 10% का असर उतना नहीं होता। अगर वो 10% उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो चल जाता है। लंच में आज बनवाया है आलू की सब्जी। मैंने उसको बोला कि सिर्फ तुम प्लेन सब्जी बना दो, इसमें मैं बॉइल्ड एग डाल के अंडा करी कर दूंगी, तो वो मैं अलग से डाल दूंगी। साथ में बनवाया है पंचरत्न दाल, एक तो टेस्टी होता है और बहुत हेल्दी, साथ में रोटी एंड चावल। आज मुझे शैम्पू करना था और मैं सुबह ऑयलिंग करना भूल गई। मैं क्या करती हूँ, एटलीस्ट सुबह 2-3 घंटे पहले कर लेती हूँ ना ऑयलिंग, तो अच्छा रहता है, अदरवाइज बाल आपके ना बहुत ड्राई लगते हैं। पर आप लोग को ज्वेलरी वगैरह दिखाने में रह गई, ऑयल लगाना भूल गई, बाद में याद आया, फिर कुक आई, खाना वाना बना के गई, उसके बाद मैंने अब शैम्पू किया है। अभी एलजी वाले का फोन आया, एक्चुअली हमने बुलाया है एक बंदा जो कि ये जो टीवी है ना हमारा, इसको वॉल माउंट कर दे, हम लोग इसको अभी यहाँ पे रखने नहीं वाले हैं। तो उसके लिए रजिस्टर किया था रिक्वेस्ट कि किसी को भेजो और वॉल माउंट कर दे, और जो वॉल माउंट करने के लिए जो ब्रैकेट लगेगा ना वो भी हमारे पास नहीं है। हमें ऐसा ब्रैकेट चाहिए जो प्रोट्यूड कर दे टीवी को आगे की तरफ, अदरवाइज तो बहुत डेप्थ है कबर्ड की, अंदर जाएगा टीवी तो कुछ दिखेगा नहीं। तो एक हफ्ता से उसके पीछे फॉलो अप कर रहे थे कि कब आओगे, अभी फोन करके बोल रहा है उसने कि हम लोग आज आ रहे हैं, आपका वॉल माउंट कर देंगे। तो देखिए होता है नहीं होता है, कैसा होता है, हो जाए अच्छे से बस और टीवी विजिबल रहे, उसके बाद भी वो मेन है। तो ये जो है ना टीवी एक्चुअली इधर चला जाएगा, पर अंगद कह रहा है कि ये जो पेंटिंग है इसको हटाने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से वॉल माउंट होगा ना कि इसके नीचे से ही हो जाएगा काम। अब मुझे नहीं पता वो होगा नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो इस पेंटिंग को हटाना पड़ेगा तभी वॉल माउंट हो पाएगा। इन केस अगर ये पेंटिंग को हटाना पड़े ना, तो मैंने इसका एक जगह ढूंढ रखा है जहां पे मैं इसको टांग सकती हूँ, बाद में दिखाऊंगी, पर होपफुली ऐसे ही हो जाए तो अच्छा रहेगा। और वॉल माउंट करने से ना हमको उसको प्रोट्यूड करना जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हो कबर्ड का डेप्थ कितना ज्यादा है, तो अगर ये अंदर की तरफ रहेगा तो साइड वाले को टीवी दिखेगा ही नहीं, बेड से इधर से तो दिख जाएगा पर साइड से नहीं दिखेगा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि वो वाला हो जिसमें 2 फीट आगे आ जाता है आपका वॉल माउंट, और आप आराम से फिर टीवी देख सकते हो। 2 फीट आगे आएगा तो फिर कबर्ड के लेवल पे आएगा और हम देख पाएंगे। क्या रहेगा ना, हमें दिन भर हम यहाँ पे टीवी उतना नहीं देखते हैं वैसे, बाद में तो और टाइम नहीं मिलेगा, तो ये ऐसे पीछे कर देंगे तो कितना स्पेस यहाँ पे हमें मिल गया है सामान वगैरह कुछ भी रखने के लिए, क्योंकि सामान रखने की जगह की तो बहुत कमी है इस रूम में, वैसे भी रूम छोटा है, और आगे आपको पता ही है कितनी सारी चीजें बेबी की होंगी जो हमें यूज के लिए रखना रहेगा, उसके लिए हमने ये टेबल टॉप जो है खाली करवाया है। और जब हमें टीवी देखना होगा तो ये हम आगे की तरफ कर लेंगे, तो जहां पे कबर्ड है ना वैसा 2 फीट आगे आके वो यहां तक इस लेवल पे आ जाता है, तो आप टीवी भी देख सकते हो। तो बेबी आने के बाद तो क्या ही इस रूम में हम टीवी देखेंगे कुछ महीने, तो ये देखना होगा भी, अगर टाइम मिला भी तो लिविंग रूम में देख लेंगे। तो उसको पीछे करके हम इसको ऐसे टेबल टॉप यूज करके अपना सामान, कितना सामान यहाँ पे आएगा आप देखो, जगह ही जगह हो गई, छोटे छोटे बॉटल्स रखना हो, कुछ उसके कपड़े रखना, कुछ भी जो आपको यूज करना है बार बार, दवाइयां वगैरह यहाँ हम रखते रहेंगे फुल और अदरवाइज ही। तो करो तो एक बार, आगे आ रहा है अच्छे से, इजी है, ओ कुछ नहीं करना है, बस आपको ऐसे करके खींच लेना है और ये पूरा आगे आ जाता है, फिर हम ये तो यहाँ तक तो आ ही गया था उस टाइम जो उसने किया था। और देखिए ये जो एक वायर है नीचे दिख रही है ना, उसको केबल टाई लगा के हम लोग उसको टाई कर देंगे, तो वायर भी दिखेगा नहीं। और हमने इसकी हाइट ऐसी रखी है ना कि पीछे जो स्विच बोर्ड है वो विजिबल ना हो, थोड़ा और ऊपर कर देते तो स्विच बोर्ड दिखता होता, बेड से अच्छा नहीं लगता। और जो अंकद ने पहले बोला था कि ये वाला पेंटिंग हटाने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सच में वैसा ही हुआ, मुझे लग रहा था हटानी पड़ेगी अदरवाइज कैसे फिट होगा, पर अंकद ने कहा था नहीं नहीं वो दिक्कत नहीं है, उसके नीचे ही लगेगा, तो वही हुआ, तो मेरा ये पेंटिंग भी रह गया और यहाँ पे टीवी भी आ गया। गुड जॉब।
बहुत जगह हो गई यार, मैं क्या ही बताऊं, इस रूम में इतनी कमी है जगह की। भी हो गया ना, तो तुम पीछे भी कुछ कुछ चीजें, हाँ कुछ कुछ रख सकती हूँ। फुल मैं इसको एकदम डंपी यार्ड बना दूंगी। नहीं बनाना है। मैं मस्त में ना खाना वाना खा करके, वो आने में उसको लेट हो रहा था, तो मैं नाइटी वाइटी पहन के दोपहर में सो गई। अचानक से फोन आया, एलजी से आ रहा हूँ। फटफट मैंने जो कपड़े ऊपर रखे थे वो वाला पहना और सोचा कि चलो ठीक है। एनीवेज तो ये तो कितना रुपया लिया इसका होने का, 2000 रुपए का ये ब्रैकेट आया और 500 रुपए उनका इंस्टॉलेशन चार्जेस और उनके आने का चार्जेस, तो 2500 रुपए लगे। क्योंकि इसमें एक सस्ता वाला भी आता है ब्रैकेट, उसमें क्या होता है ना कि वो ऊपर नीचे मूव नहीं होता ना राइट अंगद, वो फिक्स्ड होता है ना, एक था ना आठ, इतना प्रोट्यूड बाहर नहीं होता। अच्छा, इतना प्रोट्यूड नहीं होता, फिक्स प्रोट्यूड होता है, ये 2 फीट है। हाँ, हमने 2 फीट वाला चूज किया तो थोड़ा महंगा आता है, पर चलिए एक अच्छा स्पेस की जो जरूरत होने वाली है ना आगे, वो अभी से हम लोग दिमाग लगा रहे हैं कि कहाँ कहाँ से स्पेस निकाल सकते हैं। तो एक ये वाला जो था ये आइडिया बहुत ही अच्छा दिया था, ये अंगद को ही आया था कि टीवी ऊपर करवा देता हूँ तो तुमको एक जगह मिल जाएगी। मैंने कहा बहुत ही अच्छा करोगे, बहुत जरूरत पड़ने वाली है मुझे। अभी मैं ढूंढ रही हूँ ना एक वायर टाई, जिससे कि वो जो पीछे वायर है ना टीवी का उसको टाई कर सकूं। मेरे पास है पूरा पैकेट पर वही ये मिल नहीं रहा है। कितनी सारी चीजें देखिए घर में रखना होता है ना, जैसे ये सब जो है ना इसको एलन की बोलते हैं, ये चेयर्स के लिए, चेयर्स के स्क्रू को टाइट करने के लिए, तो अलग अलग चेयर्स के ब्रांड ने अलग अलग दिया है, तो वो भी संभाल के रखना है वरना आप स्क्रू टाइट नहीं कर पाओगे। अब ये देखिए कितनी सारी बैटरीज हैं जो घर में रखनी होती है, सबकी अलग अलग है, पता नहीं कब किसकी खत्म हो जाए, तो ये रखना रहता है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए अलग अलग टेप रखते हैं हम लोग, यहाँ पे 2M टेप भी है, फिर नॉर्मल टेप भी है, ये एब्रू टेप है जब जरूरत पड़ जाए, फिर जैसे लाइटर है कैंडल जलाने का उसका ये रिफिल है, ये आपको रखना है, कुरियर ओपन करने के लिए एक ये वाला रखते हैं। उसके बाद कितने सारे पिलास और अलग अलग स्क्रू ड्राइवर और सब कुछ एक इसमें भी है पूरा सेट, फिर अलग अलग रखना पड़ता है क्योंकि कुछ ना कुछ आपके घर में रिपेयर होगा। खुद का घर अगर आपका है ना तो आपको इन सब की भी जगह एक असाइन करनी पड़ेगी। और मैं जो आपको बोल रही थी कवर करके सोते हैं टीवी हम लोग, देखिए इस तरीके से कवर कर देते हैं तो क्या होता है बिल्कुल रिफ्लेक्शन नहीं आता है, और जब टीवी देख रहे होते हैं तो टीवी का रिफ्लेक्शन देख रहे हो आप इस ग्लास में आ रहा है, तो टीवी देखने में दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन आता रहेगा। तो ये जो गेट है ये वाला वॉशरूम वाला डोर, इसको ऐसे बंद कर देते हैं तो क्या टीवी की रिफ्लेक्शन भी नहीं आती। अब रूम छोटा है तो देखिए आपको फ्लैट सिस्टम में ना ऐसे जुगाड़ पे ही चलना पड़ेगा। अभी तो सोचिए एटलीस्ट हमने ये जो करवा लिया ना स्लाइडर डोर, इसकी वजह से जगह रूम में इतनी है कि एक तो पीछे यहाँ पे हमारा ड्रेसर आ पाया, दूसरा रूम में जगह हो पाई। वरना बिल्डर ने क्या किया था, ये जो पिलर है ना ये व्हाइट वाला जो आप देख रहे हो ये पिलर है, यहाँ पे उसने दरवाजा लगाया था। अगर वो दरवाजा खुलता तो बेड के पीछे जो स्पेस है 2 फीट वो वेस्ट होता, रूम छोटा लगता और कुछ नहीं हो पाता। तो मैंने एक वीडियो बनाया है हाउ आई ट्रांसफॉर्म माई बजट अपार्टमेंट इंटू अ लग्जरी फ्लैट, उसमें आप देख सकते हैं मैंने एक्सप्लेन किया, और इस रूम टूर में भी मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे मैंने इसको स्लाइडर करवाया। स्लाइडर करवाने की वजह से ही इस रूम में इतना स्पेस आ पाया है कि टीवी भी आ रहा है, ड्रेसर भी आ रहा है, इतने बड़े कबर्ड्स भी आ रहे हैं, और वॉशरूम में मैंने ये करवाया ग्लास ताकि जब हम उसको खोल देते हैं पर्दे को तो लाइट आती है, रूम भी बड़ा लगता है क्योंकि रूम बहुत छोटा था। ये रूम जो है ये 10.5x12 है एक्चुअली, जबकि मास्टर बेडरूम जो होता है वो 12x14 का मिनिमम होना चाहिए तब जाके आपको स्पेस मिलेगा। अच्छी बात ये थी कि लाइट की दिक्कत नहीं थी क्योंकि बैल्कनी है यहाँ पे तो रोशनी अच्छी आती है, मैंने यहाँ पे बाथरूम में करवा दिया चेंजेस तो रोशनी अच्छी आती है, तो रूम अच्छा खासा लगता है पर 2 लोगों के लिए। अब जब बेबी ऐड हो रहा है तो हमें पता है कि स्पेस की जरूरत है, और ये दिमाग में तो उस टाइम पे भी था कि जरूरत पड़ेगी, पर क्या कर सकते हैं अपने बजट में, और जैसा हमारा रिक्वायरमेंट था कि अंगद के जितने भी आईटी पार्क्स हैं उसके थोड़े नजदीक में मिल जाए अपार्टमेंट, और अच्छा हो, वास्तु अच्छा हो, किचन खुला हो, डाइनिंग लिविंग जो मेन होता है वो बड़ा हो, बैल्कनीज हमें था कि 2-3 तो होना चाहिए, और सब कुछ रिक्वायरमेंट मिला के हमको यही पसंद आया। सब कुछ तो टिकमार्क नहीं होगा ना कि रूम भी बड़े हैं सब कुछ ऐसा है, तो एडजस्ट करना पड़ेगा, वो हमें पता था, वो हम करते भी आए हैं, तो अब सभी समय आ गया है कि हम लोग उसमें जितना पॉसिबल है चेंजेस थोड़ा बहुत करें छोटा मोटा, ताकि हम बेबी को अच्छे से एकोमोडेट कर पाए और उसकी चीजें जो हैं, क्योंकि मुझे नहीं मन है कि फैला के मैं रखूं, मुझे पता है घर में बच्चा आएगा तो चीजें फैलेंगी, सामान रहेगा इधर उधर, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो करनी चाहिए ना कि अच्छे से हम एडजस्ट करें। फिर भी नहीं हो पा रहा है तो हमारी गलती नहीं, हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए फिर भी लग रहा है कि मेस्ड अप है तो क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकली जितना पॉसिबल है उतना इंतजाम करके रख लेते हैं, बाकी आगे देखा जाएगा, पर जुगाड़ करना जरूरी है, तो वही जुगाड़ तो हमारा आप देख ही रहे हो चल रहा है। थोड़ा बहुत और भी चीजें होनी है अभी इस रूम में, बैल्कनी में भी होनी है, थोड़ा बहुत चेंजेस घर में भी करेंगे ताकि सब अच्छे से हो जाए, तो ये अच्छा डिसीजन लिया हमने, सही हो गया।